निशा और आज के वीडियो में एक हर्बल हेयर वॉश पाउडर के बारे में आपको बताने वाली हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा हर्बल चीज़ें हर्बल हेयर वॉश पाउडर यूज़ करती हूँ, पर मुझे ये प्रोडक्ट काफ़ी दिखता है, बार बार दिखा मुझे इधर कुछ शॉप्स पर, तो मैंने सोचा एक बार यूज़ करके देखती हूँ। एक बार मैंने मीरा का जो हर्बल हेयर वॉश पाउडर आता है वो भी यूज़ कर चुकी हूँ, उसका रिव्यू आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आई बटन पे आप चेक कर सकते हो। तो आज जिस हर्बल हेयर वॉश पाउडर के बारे में आपको बताने वाली हूँ वो है ये कार्तिका का हर्बल हेयर वॉश पाउडर, जो कि शिकाकाई और हिबिस्कस से मिलके बना हुआ है। ये जो हर्बल पाउडर है इसमें हर्बल चीज़ें यूज़ की गई हैं, कोई भी केमिकल्स वगैरह यूज़ नहीं किए गए हैं। और साउथ में तो ये बहुत ज़्यादा चलता है क्योंकि हर शॉप पे मिल जाएगा, बहुत सारे पैकेजिंग में आता है, बॉटल में आता है और ऐसे सैशे में आता है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और शायद ये बनता भी चेन्नई में बना हुआ है, ये यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इसको, और तो इनके शैम्पू भी आते हैं। तो आज की वीडियो में मैं इसके बारे में आपको बताने वाली हूँ। तो अगर आपने इसके बारे में सुना है अच्छी बात है, नहीं सुना है तो आज आपको पता चल जाएगा। तो इसी के बारे में मैं आज बताने वाली हूँ। ये 2-3 पैकेजिंग में आता है और ये इसका 10 रुपये का ये इतना सा पैक आता है, पर इसमें पाउडर इतना था कि वो मैं 2 बार यूज़ कर सकती थी, पर मैंने 1 बार में ही उसको ख़त्म कर दिया क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था, मुझे लगा कि नहीं मेरे बालों पर शायद पूरा पैक लग जाएगा, पर नहीं उतना नहीं लगा। इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ तो इसमें सारे बॉटनिकल नेम दिए हुए हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे, जो कि सारे प्लांट्स हैं, सारे प्लांट्स यूज़ किए गए हैं, शिकाकाई है, हिबिस्कस है और महुआ एक फ्रूट होता है वो यूज़ किया गया है, तुलसी यूज़ की गई है। तो ऐसे हर्बल चीज़ें, नेचुरल चीज़ें यूज़ की गई हैं जो कि बालों के लिए अच्छी होती हैं, बालों को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, बालों को लंबा करने में हेल्प करती हैं, और बालों को स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम है, बाल बढ़ने रहे हैं हो रहा है, ये सारी चीज़ें इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। और एक बार यूज़ करने से तो बिल्कुल भी आपका हेयर फॉल कम नहीं होगा, या फिर बाल लंबे एक बार में तो नहीं हो जाएंगे कि एक सैशे यूज़ करने से ये सब हो जाए, पर आप रेगुलर यूज़ करेंगे तो बिल्कुल आपको इसके बेनिफिट्स मिलेंगे। और बहुत सारे लोग हैं जो हर्बल चीज़ें यूज़ करना पसंद करते हैं, केमिकल फ्री चीज़ें यूज़ करना पसंद करते हैं, तो उनके लिए ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। और ऐसा भी नहीं है कि इसको यूज़ करना बहुत ज़्यादा टफ हो, वो भी नहीं है, आसानी से आप यूज़ कर सकते हो। तो ये जो पाउडर है ये इसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा इजी है, आप अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग इस पाउडर की क्वांटिटी ले लीजिए। कुछ दिखने में इस टाइप का है पाउडर और फ्रेग्रेंस काफ़ी तेज है, और बहुत तेज है इसकी फ्रेग्रेंस, और इस टाइप के जो भी मैंने पाउडर यूज़ किए उनकी फ्रेग्रेंस तेज ही होती है। तो इसको आप पानी के साथ मिक्स कर लीजिए और बहुत थिक नहीं, थोड़ा सा पतला पेस्ट बनाइए जिससे कि बालों पे अप्लाई करना इजी रहे। और इसको आपको लगा के नहीं रखना है, बस आपको मसाज करना है, 2 से 5 मिनट तक आप अच्छे से मसाज कर लीजिए इसको बालों पे, अपने स्कैल्प पे बहुत अच्छे से आप मसाज कीजिए। और जैसे ही आप अपने बालों पे इसको लगाएंगे और बालों को गीला करना है फिर आपको इसको यूज़ करना है, पर मैंने अभी वीडियो में बाल गीले नहीं किए, डायरेक्ट यूज़ कर लिया, पर इसको बाल गीले करके यूज़ करना है। और जब आप इसको यूज़ करोगे तो तुरंत फोम आने लगेगा इसमें, मतलब इतने अच्छे से इसमें झाग आ जाता है जितना कि मतलब शैम्पू भी फेल हो जाए, इतना ज़्यादा इसमें फोम था। और तो अपने बालों को आप
टैंगल फ्री कर लीजिए, नहीं तो और ज़्यादा उलझ जाएंगे। और फिर इसको अच्छे से स्कैल्प पे लगा लीजिए, बालों की लेंथ पे, मतलब अपने बालों को पूरा इससे अच्छे से कवर कर लीजिए। और लगाते लगाते जब आप मसाज करोगे तो इसमें फोम आने लगेगा, और आप अपने पूरे बालों को इससे अच्छे से कवर कर लीजिए। और फिर मैं हेयर वॉश करके इसके रिजल्ट्स बताती हूँ कि इसने कैसा मेरे बाल पे काम किया। आप 2-4 मिनट तक ऐसा पैक इसको रख सकते हो, इसमें ऐसे लिखा नहीं है पर आप रख इसको सकते यूज़ हो। किया जब मैं तो मसाज कर रही थी, तब मुझे फील हो रहा था कि यार अच्छे से ये कुछ क्लीन कर रहा है मेरे स्कैल्प को। और सच में इसने बहुत अच्छे से स्कैल्प को क्लीन किया, बहुत अच्छे से, मतलब एक जैसे शैम्पू करता है ना, उससे भी अच्छे से मैं कहूँगी कि इसने स्कैल्प को क्लीन किया। पर ये हर्बल चीज़ें जब आप यूज़ करते हो तो कहीं ना कहीं मैंने ये देखा है कि उससे बालों में थोड़ी सी ड्राइनेस आ जाती है, फ्रिजीनेस बढ़ जाती है। तो जब हेयर वॉश कर लिए तो एक होता है ना, आपको बाल छूने में उतने सॉफ्ट नहीं लगते हैं, और ऐसा लग रहा था जैसे सारा ऑयल जो भी होता है नेचुरल वो चला गया बालों से, और थोड़े से ड्राइनेस लग रही थी। तो मैंने इसके ऊपर कंडीशनर यूज़ किया, क्योंकि मुझे लग रहा था नहीं तो जाने क्या होगा, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस जैसी लग रही थी। और मेरे बाल ऑलरेडी ड्राई और फ्रिजी हैं, उसमें फिर ये चीज़ यूज़ करो तो ड्राइनेस तो हो ही जाएगी। तो मैंने कंडीशनर यूज़ किया। कंडीशनर यूज़ करने के बाद आप रिजल्ट आज देख सकते हो। अभी मैं हेयर वॉश करके ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो काफ़ी अच्छे से, मतलब कंडीशनर यूज़ करने के बाद बिल्कुल ड्राइनेस चली गई, फ्रिजी भी नहीं रहे। तो अगर आपके बहुत ज़्यादा ऑयली बाल हैं तब ही आपके बालों को ड्राई नहीं बनाएगा। या तो मैंने एक गलती ये भी की कि मैंने ऑयल लगा के हेयर वॉश नहीं किया, तो मुझे ऑयल लगा लेना चाहिए था, तो शायद इतनी ड्राइनेस नहीं होती। तो बिल्कुल अगर आपके ऑलरेडी ऑयली हेयर है, स्कैल्प रहता है, तो ये बहुत अच्छे से काम करेगा। अगर आपके बाल ड्राई हैं, फ्रिजी हैं, मेरे जैसे हैं, तो आप ऑयलिंग करके अपने बालों को हेयर वॉश करो तो अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मुझे काफ़ी अच्छा लगा सही बताऊँ तो। और बिल्कुल मैं और एक बार और मतलब यूज़ करना पसंद करूँगी, आगे भी यूज़ करूँगी। जब कभी मेरा मन करेगा कि मुझे केमिकल फ्री चीज़ें यूज़ करनी है तो बिल्कुल यूज़ करूँगी। तो काफ़ी अच्छा लगा। और मैं मेरा शैम्पू हेयर वॉश से कंपेयर करूँ तो दोनों ऑलमोस्ट सेम ही हैं, बस एक दो इंग्रेडिएंट्स इधर उधर होंगे, नहीं तो दोनों ही सेम है, फ्रेग्रेंस सेम है, काम भी ऑलमोस्ट सेम ही करते हैं। तो दोनों में से कोई भी आप ऑप्शन चूज कर सकते हो। बिल्कुल ट्राई करके देखिए एक बार, और तीखी फ्रेग्रेंस से अगर प्रॉब्लम है तो इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, क्योंकि फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा तीखी है, जाने क्यों किस कारण से इतनी ज़्यादा तेज़ फ्रेग्रेंस है। और मेरे बालों में अभी तक वो फ्रेग्रेंस आ रही है, और 1-2 घंटे हो गए शायद हेयर वॉश किए, पर अभी भी मेरे बालों में वो खुशबू आ रही है। तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनको प्रॉब्लम होती है फ्रेग्रेंस से, वो यूज़ नहीं करें। नहीं तो कोई भी हेयर टाइप है आपका, बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हो। तुलसी है, हिबिस्कस है, शिकाकाई है, मेथी यूज़ किया गया है तो आपको डैंड्रफ का प्रॉब्लम है और स्प्लिट एंड्स का प्रॉब्लम है, आपके बाल झड़ रहे हैं, लंबे नहीं हो रहे हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये सारी चीज़ें, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं अगर आपके बालों में, तो बिल्कुल आप इसको यूज़ कर सकते हो। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।